डेंटल सर्जन डॉक्टर मनीष कुमार जैन ने बताया कि ज्यादा जोर लगाकर ब्रश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दांत और मसूड़े जख्मी हो सकते हैं। जरूरत है कि हम बच्चों को सही तरीके से ब्रश करने की आदत डालें, ताकि वह ताउम्र सही तरीके से ब्रश करें। डॉक्टर मनीष कुमार जैन ने बताया कि अक्सर दांत में दर्द होने पर हम सोचते हैं कि कुछ देर में ठीक हो जाएगा, दांत पर लौंग रखते हैं, लौंग का तेल लगाते हैं या फिर किसी दवा से दर्द ठीक हो जाता है। इसके बाद हम फिर शुरू हो जाते हैं दांतों के प्रति लापरवाही बरतने में। हाल ही में हुए एक अध्ययन में यह बात साबित हुई है। पान मसाले का बहुत ही ज्यादा चलन है और अपने इस ब्रज क्षेत्र में, आगरा क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा है ये चीज़। तो इसकी वजह से दांतों में कैविटी, पायरिया की शिकायतें ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं। और गुटखा खाने वालों को मेन चीज़ है मुख का कैंसर, जो कि बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी हमें जानकारी बिल्कुल नहीं होती है। जब तक मरीज को एकदम ही लास्ट स्टेज में नहीं होता है, तब तक पता ही नहीं चल पाता है। तो इसके लिए हम समय समय पर रिवेयर कैंप भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट इतना जागृत नहीं हुआ है अपने एरिया में। और सबसे खास बात है कि एक तो डेंटल फ्लोराइड बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, यहाँ का पानी इतना शुद्ध और साफ़ नहीं है आगरे में, जिसकी वजह से फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है। उसकी वजह से भी दांतों का दंत क्षय, जिसे हम डेंटल कैरीज, डेंटल डिके बोलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। डेंटल सर्जन डॉक्टर मनीष कुमार जैन ने बताया कि पता चला कि भारत में दांतों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। हाल ही में किए गए एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि लगभग 95% भारतीयों में मसूड़ों की बीमारी है, 50% लोग टूथ ब्रश का उपयोग करते हैं और 15 साल से कम उम्र के 70% बच्चों के दांत खराब हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, आगरा।